अस्सलाम वालेकुम। पाक दुबई टूर में वेलकम सब दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जो वीडियो बनाने का मतलब है वो आपको बताते हैं कि यानी कि क्या रीज़न है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जी आज कहीं की भी नई वीडियो आई, अपने घर की ही वीडियो है। घर भी क्या, अपने बेड पे ही अभी तक तो लेटा हुआ हूँ। तो सुबह सुबह आदत है फ़ोन चेक करने की कि सो के उठते हैं तो सबसे पहले जो है वो फ़ोन को देखते हैं कि कोई मैसेज वगैरह क्या है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन देखा, मैसेज ओपन किए तो दो तीन कमेंट्स आए हुए थे कुछ दोस्तों के कि 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके मतलब, फ़ोन लिया था नया तो उसके मतलब मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्त पूछ रहे थे कि फ़ोन कितने का लिया और ये इसका कैमरा कितना है वगैरह वगैरह। तो सोचा चलो छोटी सी एक वीडियो बना के तो सब दोस्तों को बता देते हैं। ये देखें, ये मेरा नया फ़ोन है, ये बैक से भी ओप्पो रेनो 5G। ओप्पो रेनो ये आप देख सकते हैं, 3 कैमरों वाला है। इसकी जो मेमोरी है वो 128 है और इसकी रैम जो है वो 8 GB है और फ्रंट का कैमरा इसका 64 है और बैक का भी जो है वो भी 64 से प्लस ही है, लेकिन अब मुझे सही से पता नहीं है कितना है और चेक मैंने फ़िलहाल किया नहीं, बस ऐसे ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी और के पास ये फ़ोन नहीं है, या फ़ोन तो इससे बेहतर भी है। अब जैसे कि आईफोन है, आईफोन का तो कोई मुकाबला है ही नहीं किसी फ़ोन के साथ भी। तो इसका ये है कि ये नॉर्मल रेंज में है, सब दोस्त ले भी सकते हैं जो यूट्यूबर हैं। तो ये मैंने तो लिया था 1500 दरहम का, मैं दुबई से लेके आया था। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 70+ ही हैं बनते, यानी कि 70,000, तकरीबन 70,000 का तो है ये इधर का। अभी इधर मुझे जो एक नुकसान है वह अभी इधर इसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। इसका टैक्स 16,000 है, मैंने पूछा था, सब 16,000 एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। तो तब इसको जो है वो लोकल यूज़ में करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो फ़ोन है, मैं जिस फ़ोन से अब वीडियो बना रहा हूँ इससे डाटा शेयर करता हूँ इसकी तरफ, और अब मेरी तकरीबन जो पिछली 2-3 वीडियो आई हैं वो मैंने इसी फ़ोन से शूट की हैं। इसमें जो एक बेनिफिट है वो ये है कि डुअल वीडियो बनती है, फ्रंट बैक की एक साथ वीडियो बनती है, जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी। रिज़ल्ट तो है ही है, रिज़ल्ट के साथ जो है ना वो ये तकरीबन हर किसी में नहीं होता। बहुत मैंने भी फ़ोन देखे हैं लेकिन बहुत ऐसे कम फ़ोन हैं जिनमें ये फीचर है कि ये फ्रंट और बैक की वीडियो एक साथ देता है। तो जी अब उम्मीद है कि सब दोस्तों को पता चल गया होगा, फ़ोन कितने का लिया वो भी बता दिया, अब इसके फ्यूचर क्या है, कैमरा कितना है वगैरह वगैरह वो भी हो गया है। अगर आप कुछ जानते हैं जो मुझे नहीं पता तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जितनी भी वीडियो है वो इससे ही शूट करेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये सब हमने आपके लिए ही किया है कि ताकि रिज़ल्ट अच्छा से अच्छा हो सके। तो अभी जो है ना वो जाने का टाइम हो गया है। शुक्रिया सब दोस्तों का और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी कर दिया करें, सब कुछ फ्री है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।